कहाँ थे हुजूर, बहुत देर लगा दी आते आते। मैं आप लोग की बात नहीं कर रहा, मैं चेन्नई की बात कर रहा हूँ कि चेन्नई जो आज आए हैं, देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं, पर क्या मजेदार आए हैं। ये है वो चेन्नई जिसके हम दीवाने हैं, ये है वो चेन्नई जिसके हम फैन हैं, ये है वो चेन्नई जिनको देखने के लिए ये आंखें बेचैन थी, और आज इन्होंने दिखा दिए अपने रंग। जी हाँ, लाल पीला कर दिया ऑपोजिशन को, और जीते, और जीते भी क्या प्यार से, क्या मक्खन से। आइए आपको दिखाते हैं, रन बनाए थे बैंगलोर ने 145, तो लक्ष्य लगा था कि शायद इस पिच पर, धीमी गति की पिच है, शायद इस पे थोड़ा बड़ा लगे ये लक्ष्य, पर बिल्कुल भी नहीं। चेन्नई के लिए ऋतुराज गायकवाड़, युवा खिलाड़ी, 65 रन बनाकर नाबाद रहे। अच्छी बात ये रही कि नाबाद रहे, जीत तक लेके गए, मतलब दूल्हे को मंडप तक लेकर गए। और दूसरी तरफ साथ थे उनके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और जो सलामी बल्लेबाज उनके साथ थे फाफ डु प्लेसी, उनके साथ एक बढ़िया साझेदारी भी रही गायकवाड़ की, और आराम से जीत गए। मेरे साथ दो बहुत खुश लोग, मुरली कार्तिक और अजय जडेजा। पहले अजय भाई आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि आप तो मतलब पुराने पापी हैं। जहां पर मोहब्बत की बात आती है चेन्नई के स्टाइल से, ये जो इंटेंसिटी दिखी आज, इनकी ना एक स्पेशल ब्रांड ऑफ इंटेंसिटी है चेन्नई की, ठहराव वाली इंटेंसिटी, राइट? बिल्कुल स्टैटिक, हेड स्टिल जो कहते हैं ना बैट्समैन के लिए जो होना चाहिए, हेड स्टिल वाली इंटेंसिटी आज देखने को मिली, दिल खुश हो गया। बिल्कुल दिल खुश हो गया, क्योंकि जो फैन है चेन्नई के साथ इमोशन जिसके हैं वो तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, इंडियन क्रिकेट फैन भी मैं खुश हूँ। ऋतुराज गायकवाड़ को जिस तरह से खेलते देखा आपने, कहा क्यों, क्योंकि जिस टीम से आप खेलते हो ना, आपको उस टीम का हिस्सा खाली खेल से नहीं, मानसिक तरीके से भी तो होना चाहिए ना, कि जो स्टेबिलिटी की आपने बात की वो उन्होंने प्रोवाइड की। और खाली वो नहीं, जो फिनिशिंग टच है ना, इस बार धोनी दूसरे एंड पे रह गए, लेकिन जब खत्म हुआ ना मैच, अंदाज पुराना ही है, छक्का। तो वो चीजें, मतलब एक हर टीम का फैन जो होता है, सिर्फ हार जीत नहीं ना, एक अंदाज के लिए होना चाहिए फैन, तो बिल्कुल वो अंदाज आज देखने को मिला। और आई थिंक खुशी होती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो चल रहा है कुछ वक्त से, उनकी टीम कुछ नहीं पकड़ पा रही, और वो अकेले भी क्या करते। एक दिन याद आपने करा, वो बोगियों की बात हो रही थी कि भाई कितनों को खींचेंगे, तो आज मैं ये कहूंगा ऋतुराज गायकवाड़ ने ना, सब वो जो गिर रहे थे ना क्लिफ के ऊपर से एक एक करके, उन्होंने एक पहला खंभा लगा दिया, तो फिर धोनी ने आ जाओ, तो ये एक पक्के हो गए आपके अगली बार के लिए। सही, नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने कार्तिक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चेन्नई फैंस के लिए। देखिए, हार और जीत की बात आप अलग छोड़िए, जो अंदाज है, अंदाज मेजोरिटी मैचेस में देखने को नहीं मिल रहा था, आज देखने को मिला। जब देखने को मिला तो बिल्कुल वाह-वाह है उनकी। देखिए, आप उम्मीद भी उसी से करते हैं ना, जो बच्चा अच्छा होता है, जो बच्चा फेल होता रहता है, वो 40 ले आएगा तो वो 40 ले आएगा यहाँ तो बैठे हैं 2-40 वाले आप है अच्छे बच्चे, हम बैठे हैं 40 वाले, 33 वाले, 33, बत्तीस मैं आपकी तरफ मेरी उंगली बिल्कुल भी नहीं थी, पर इतने, अगर आप 13 साल का टूर्नामेंट उठा लीजिए, जब वापस आए 2 साल के गैप के बाद भी, टीम लगभग यही टीम थी, पर 2 साल जवान थे या कुछ भी कह लीजिए, जब टीम से एक उम्मीद हो जाती है तो कभी कभी ना आप उम्मीद भी करते हैं बहुत ज्यादा, आप चाहते ही नहीं है कि वो टीम हारे, ये फैन से उम्मीद हो जाती है। आप देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, ये लोग जब बैटिंग करने जाते हैं ना, इनके 30-40 भी हमें फेलियर लगता है, क्योंकि हमें आदत ही है उनसे अच्छा उम्मीद करने की। तो आप जब CSK की बात करते हैं ना, फैंस को ठहराव नहीं देखता, फैंस चाहते हैं कि MSD हैं, तलाइवा हैं, तलाइवा तलाइवा को जीतना ही है, और तलाइवा कितना कुछ कर सकते हैं अकेले, तलाइवा के साथ ठीक है, उनका जो कंसिस्टेंसी है सबको सलाम करना चाहिए, एक कंसिस्टेंसी इस फॉर्मेट में बहुत बहुत जरूरी है, पर कंसिस्टेंसी में भी वही जो मैंने पहले कहा, वो तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि मैं अब जाके 400 यार्ड बॉल मारूं, पर मेरे बस की नहीं है, ये वो वाला हालत आ गया है, वहां पे उनको कहीं देखना पड़ रहा है। एंड वो सोच रहे थे कि जो यंग प्लेयर्स हैं जितने भी खेलेंगे वो थोड़ा और पुल करेंगे, बाकी जो सीनियर्स हैं वो नहीं हो पाया। पर देखिए, CSK एक बड़ी टीम है, उम्मीद उतनी ही रहती है, और जब अच्छा करती है, अजय भाई ने बहुत सही बात की, आपके जितने भी इर्द गिर्द जितने लोग, जो फैन जिनको आदत पड़ गई है ना टीम के साथ जुड़ने की, टीम के परफॉर्मेंस को देखने की,
उनको तो अच्छा लगता ही है जब सीएसके अच्छा करती है, बड़ी टीम अच्छा करती है, बड़ी टीम को देखने आते हैं, कभी कभी वो खराब भी खेले तो पर फिर भी उनको देखने आते हैं। शेन वॉन भले ही छक्के खा रहे हो पर उनको लगता है कि हर बॉल पे हमें विकेट मिलने वाला है, तो ये चीजें आप उम्मीद करने लग जाते हैं बड़ी टीमों से। नहीं, गुड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। पर ये आप देखें अजय भाई के ये बायो बबल में बैठे गोल्फ गोल्फ खेलने का चांस मिल नहीं रहा ना इनको, इसलिए वो 400 यार्ड वाली बात डाल दी उन्होंने। ठीक है कि बाहर जाके खेल नहीं सकते पर बात तो कर सकते हैं थोड़ी गोल्फ के बारे में। हाँ, 400 यार्ड वाली शॉट, जब आप बाहर जाएंगे बायो बबल के बाद तो हम दोनों भाइयों का आशीर्वाद आपके साथ, आप 420 पे मारेंगे यार्ड 420। पावर प्ले का भाई किसी का करेक्ट आया कि नहीं? क्लोजेस्ट यू वर 45 थे, 48 पे खत्म हुआ। मेरा तो 3 ओवर में ही खत्म हो गया था, मेरा तो 3.5 ओवर में ही वो 35 पे पहुंच गए थे। सर मैं क्या कहूं, मैं ऊपर वाले का शुक्रिया करना चाहता हूं, आप दोनों का, भाइयों का शुक्रिया करना चाहता हूं। आपने अपना खाता निकाल के 40 बोला तो इसलिए मैं 45 पे आया, तो ये मेरी जीत नहीं बड़े भाई, आपकी जीत है ये। वो पंचांग में 47 पे रुके थे इसलिए वो कहेंगे मैं तो वहीं पे था। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, आधा पार्किंग लॉट तो लेके बोल नहीं सकते ना कि ये मेरा है। ये क्या मतलब हुआ? तो ठीक है, आप हैं अजय भाई हैं हमारे आज के माय 11 सर्कल बैज ऑफ ऑनर विनर एक्सपर्ट ऑफ द डे। लगाओ पट्टी, स्टूडेंट लगाओ पट्टी, माननी पड़े, लगाओ पट्टी लगाओ भाई। आपने बोला था, आपने बोला था खाता आपके नाम का खुला था, आपने भाई खाता खोला था और आप ही ने बोला, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हैं एक्सपर्ट ऑफ द डे। बहुत ही बढ़िया, ठीक जगह है। नहीं नहीं, आप क्यों लगा रहे हो, हमने लगा दी ऑलरेडी। अच्छा, हमने लगा दिया, हमारे बंदे बैठे हैं बहुत, ऐसी कोई बात नहीं है, सस्ता प्रोडक्शन ना समझना आप, ठीक है, वो बंदे हैं यहाँ पे। पावर प्ले की बात करें अगर, ये बड़ा जरूरी है, हमने बात करी थी जब हम बीच का शो कर रहे थे, मिड शो कर रहे थे, उसमें कहा था हमने कि पावर प्ले में चेन्नई को एक्सेलरेटर पे पैर रखना पड़ेगा और पांव रखा बढ़िया अजय भाई उन्होंने। फाफ ने जो एक दो शॉट मारी, वो जो रैम्प शॉट मारी और मतलब चढ़ गए वो भी, गायकवाड़ भी मूड में आए थे आज के, मतलब पावर प्ले में तो बनाने ही है 50 के आसपास। आई थिंक अप्रोच बिल्कुल परफेक्ट थी क्योंकि यू नो जितना गेम देखा है इस विकेट पे पिछले कुछ दिनों में, तो आप उम्मीद यही करते हैं कि यही एक पीरियड ऐसा देखने को मिला था जहां पे रन्स बन रहे थे और उससे एक सीख भी ले गए। फर्क यह है कि फाफ जो एक्सपीरियंस है जिससे आप उम्मीद करते हैं कि वो सीख लें कि भाई पिछले 2-3 मैच में या स्टार्ट के बाद ना बीच में अगर सेट बैट्समैन है तो आसान हो जाती है, मुश्किल नहीं है। तो वो तो जल्दी करके चले गए, लेकिन वहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ने यू नो आई थिंक स्किल, मतलब मैं क्या कहता हूँ, बल्लेबाज को उस दिन देखता हूँ जिस दिन अच्छा खेलता है, बुरे दिन नहीं। तो आज मैं मेरे हिसाब से ही अच्छा खेले, उनकी जो स्किल्स देखने को मिली है, यू नो एक ओल्ड टाइम प्लेयर होते हैं ना कि आजकल हैंड्स ही यूज होते हैं और खाली हैंड्स यूज होते हैं तो विकेट जब थोड़ा सा सीम कर रही है या फंस के आ रही है ना, उन प्लेयरों को दिक्कत होती है। और पुराने जमाने वाले क्या कहते थे, अपने कदमों का इस्तेमाल करो, बॉल के पास जाओ या बॉल से दूर जाओ। तो इन्होंने आज दिखाया, यू नो एक ड्राइव मारी नवदीप सैनी को इन्होंने, यू नो पैर ऐसे मूवमेंट देखी इतनी आगे जो देखने को नहीं मिलती। तो वो उन्होंने स्किल्स भी दिखाई और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो उन्होंने टेम्परमेंट दिखाया, क्योंकि वो जो स्टार्ट अच्छा मिला है ना, स्टार्ट एक अच्छा मिलना होता है और एक आपने अर्न किया, इन्होंने अर्न भी किया मिला भी, उसके बाद थ्रो नहीं करना, जो अपॉर्चुनिटी थी उसको पूरा यूटिलाइज किया। और इस शो पे तो जो है वो समझते होंगे, लेकिन कार्तिक नए हैं तो उनके लिए कि भाई हम यहाँ कहते हैं सुपरस्टार वो आदमी है जो बल्लेबाज आखिरी में अपने नाम के पीछे ना स्टार लगाता हो, क्योंकि रन तो सब बनाते हैं, जो नॉट आउट आता है ना वो ही बनता है सुपरस्टार। सर जो बराती लेके जाता है दूल्हे को मंडप तक, आज लेके गए ऋतुराज गायकवाड़ है, बीच में नहीं निकले। अरे लेके गए, लेकिन ये गायकवाड़ साहब तो दुल्हन को साथ लेके चल पड़े, नॉट आउट नॉट आउट लेके गए भाई। और हम ये इन्होंने नाम कमाया आज और बूस्ट स्टैमिना मीटर पे अपना नाम यहाँ पर भी कमाया, सुनहरे अक्षरों में जड़ दिया अपना नाम यहाँ पर। जो 48% रन है विकेटों के बीच से निकले, भाग के निकाले इन्होंने आज। कार्तिक जैसे पावर प्ले के बाद समझ गई है कि देखिए मिल रहे हैं चौके छक्के मिले पावर प्ले में, इसके बाद अब जब पावर प्ले के बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन चेंज हो गई है तो मुझे अपनी गेम भी चेंज करनी पड़ेगी और भागने भी पड़ेंगे। और ये युवा खिलाड़ी से आप देखना चाहते हैं मैच अवेयरनेस, पिच अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस। देखिए ये मैं जब बहुत छोटा था ना तो मुझे ये जो आपके साथ बैठे हैं उन्होंने मुझे एक चीज बताई थी कि क्रिकेट हर जगह सेम है, आप जब अंडर 19 पे खेलते हैं या स्कूल लेवल पे खेलते हैं क्रिकेट तो वही है, पर जो
जो स्टेज है वो बढ़ जाता है, स्टेज के वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। और ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बहुत सुना था मैंने, गगन कोड़ा और ये जितने भी जतिन परांजपे में सेलेक्टर्स, कि ये बहुत क्लास बैट्समैन है, क्लास बैट्समैन है, क्लास बैट्समैन है। तो इस साल जब वो पहली बार दिखे तो मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था ये सुनने के लिए, क्योंकि इतने बड़े बड़े सेलेक्टर्स और सब बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि होगा। पर वही बात हुई कि जब दो तीन मैच रन नहीं बने तो बंदा सोचता है कि क्या कमी है। ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट की कमी हो सकती है, कभी कभी टेम्परमेंट की कमी हो सकती है, कभी कभी आप ओवरऑल फैक्टर होता है, क्योंकि आईपीएल वैसा है स्टेज, आईपीएल बहुत मुश्किल स्टेज है। बहुत लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करते हैं पर आईपीएल में नहीं आके कर पाते, क्योंकि वो स्टेज वैसा है। तो आज स्टेज का था और स्टेज फियर को हटाने का था, स्टेज में आके परफॉर्म करने का था। और जैसे जड्डूपा को वो एक शॉट लगा, मुझे वो वॉशिंगटन सुंदर पे एक उन्होंने कूद के बस ऐसा बल्ला रखा छक्के के लिए, एज ए स्पिनर मैं सोच रहा हूँ कि यार वॉशिंगटन सुंदर तेज डालता है, उसका बॉल बाउंस होता है और बहुत चांस है कि आप जो ज्यादा घुमाते नहीं वो इधर से बॉल निकल जाती है। पर उन्होंने हल्का सा रूम देके जो खेला वहां पे दिखा कि क्यों उनको लोग वेट करते हैं,